दोस्तों आज के ज्ञान में एक मैसेज है यंग होम्योपैथ्स के लिए, उन होम्योपैथ्स के लिए जिन्होंने अभी अभी क्लिनिक स्टार्ट किया है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि सारे जो यंग होम्योपैथ्स अभी जो नई जनरेशन है, दे ऑल सफर फ्रॉम ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जल्दबाजी है उनको, पता नहीं सक्सेस की जल्दबाजी है, हरिड है, हेस्टी है, पेशेंस नहीं है उन लोगों में कि थोड़ा सा सब्र के साथ वक्त दें अपने आप को भी, टू ग्रो एज अ फिजिशियन, टू ग्रो एज अ क्लिनिशियन, टू ग्रो एज अ होम्योपैथ, और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ने के लिए वक्त दें। जल्दी का काम शैतान का होता है, जल्दबाजी में काम खराब होते हैं। मेडिकल प्रैक्टिस, एक होम्योपैथिक प्रैक्टिस को डिसेंटली जमाने के लिए भी 2 से 5 साल कम से कम चाहिए होते हैं। आप सभी के लिए मेरा मैसेज है कि शुरू में पेशेंट सबके पास कम आते हैं, सबको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन स्ट्रगल सबको करना पड़ता है। थोड़ा सा वक्त दें, अपने सिस्टम पे से कॉन्फिडेंस लूज नहीं करें, अपनी एबिलिटी में से कॉन्फिडेंस लूज नहीं करें, और ये जो वक्त मिलता है शुरू का 2-5 साल का, जब आपके पास बहुत नंबर ऑफ पेशेंट्स नहीं होते, उस वक्त बहुत सारा सीखिए, बहुत सारी किताबें पढ़िए, जो कॉलेज में नहीं पढ़ा वो पढ़िए, सेमिनार्स अटेंड करिए, गुरुओं के चरणों में जाके बैठिए, अपने एक एक केस पे मेहनत करिए, और यही प्रक्रिया है जिसके जरिए आपको आगे चल के सक्सेस मिलेगी। अगर ये नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल मिलेगा, जैसी मेहनत करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। मेहनत नहीं करेंगे तो बाद में आप होम्योपैथी को दोष दे सकते हैं, अपने कॉलेज को दोष दे सकते हैं, टीचर्स को दोष दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दोष सिर्फ आपका होता है, बिकॉज यू अलोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस एंड यू अलोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेलियर्स। ठीक है, सो मेरी ये बात ध्यान रखिएगा।